मेरे सुल्तान, मुझे कैद कर देते तो बेहतर था। आपने मुझे यह सजा क्यों दी बाबा? ये तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो सलाहुद्दीन? बताया था ना तुम्हें, अस्कलान की तरफ अगर एक कदम भी उठाया तो तुम्हें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कलान की मदद करना चाहता हूं, यह सच है, लेकिन जिस लम्हे मैंने अपनी फौज भेजी, बाल्विन हज के रास्ते खून में डुबो देगा। अगर अपना दस्ता अपने साथ ले जाऊं मैं, तो पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होगी बाबा। मैं जबान देता हूं आपके समझौते पर हर्फ ना आएगा। सलाहुद्दीन, क्या इतना यकीन है तुम्हें कि अस्कलान उस दस्ते के साथ बचा सकते हो? जी बिल्कुल बाबा। अगर तुम अस्कलान बचा लेते, बाल्विन हज के रास्तों की मोर्चाबंदी ना करता कभी, उल्टा उसे हमारे आगे सर झुकाना पड़ता और मजलिस दीवान की भी वो कार्रवाई ना होती, और उस मजलिस में भी रियायत की गई, कोई सजा नहीं दी गई तुमको। तुरान शाह ने कमजोरी दिखाई, मुझे क्यों नहीं बताया तुम्हें? हर एक जिम्मेदारी मेरी है, अगर किसी ने कमजोरी दिखाई तो वो भी मेरी है, सो तलाफी भी मुझे ही करनी चाहिए। जाने तो सही तुम किस तलाफी की बात कर रहे हो सलाहुद्दीन? शिकस्त हार जाने से नहीं होती, बल्कि मान लेने से होती है। जब उन्हें हमले का तसव्वुर तक ना होगा, वही वक्त होगा जब हम उन पर हमला करते हैं। हमले से पहले एक मुनासिब वक्त मुंतखब करते हैं। वक्त ही तो नहीं बाबा, हमारी देर उन्हें ताकतवर कर देगी। हुक्म दूरी नहीं चलेगी सलाहुद्दीन, मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ नहीं करोगे तुम। आ जाओ। मेरे सुल्तान, अस्कलान की सुरैया खातून आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है।